ड्रुपल एड में नोड को अनपब्लिश करने के लिए प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से कोड किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मान लीजिए कई बार आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई नोड अनपब्लिश करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो उसी के लिए हमने एक कोड बनाया है, एक कस्टम मॉड्यूल बनाया है और उस मॉड्यूल के माध्यम से हम ड्रुपल एड में नोड को प्रोग्रामेटिकली अनपब्लिश करना देख रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा मॉड्यूल नेम है। मॉड्यूल नेम को मैंने नाम दिया नोड अंडरस्कोर अनपब्लिश। ठीक है, जैसे ही हम मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो जो डिफ़ॉल्ट फाइल स्ट्रक्चर होता है एक मॉड्यूल का, कि एक मॉड्यूल को बनाने के लिए आपको इन्फो फाइल बनानी होती। इन्फो फाइल में आप मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन, डिटेल, मॉड्यूल का टाइप, ये सब चीज़ मेंशन करते हैं। और उसके बाद एक राउटिंग फाइल होती है। राउटिंग फाइल का काम होता है कि आपके फंक्शन से आपकी फ़ाइल को कनेक्ट करना। ठीक है, तो आप राउटिंग फाइल के अंदर फाइल का जो पाथ है, जो प्रोग्राम का कोड का यूआरएल और वो सब कुछ मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन्फो फाइल में। तो मैंने इन्फो फाइल को ओपन किया। ये इन्फो फाइल में आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल का नाम हो गया यहाँ पे नोड अनपब्लिश। सिंपल मैंने मॉड्यूल को ये नाम दिया। टाइप में यहाँ पे मॉड्यूल आएगा और ये डिस्क्रिप्शन और ये ड्रुपल 8 का वर्जन। चूंकि ये YML फाइल है तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे ये की हो गई और यहाँ पे ये पाथ हो गया फाइल का। उसके बाद में दूसरी फाइल हमारी थी जिसको हमने बोला था कि ये फाइल हमारी YML फाइल है, राउटिंग डॉट YML फाइल। तो राउटिंग डॉट YML फाइल का मतलब ये होता है कि इसमें हमको पाथ मेंशन करना होता है। तो ये हमने एक की डिफाइन की, इसके बाद में यहाँ पर पाथ, ये पाथ हो जाएगा हमारा नोड और नोड अनपब्लिश, ये एक पाथ हो गया फाइल का। पाथ के बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट्स में आ जाएगा कंट्रोलर और कंट्रोलर में हमको यहाँ पे देना होता है क्लास का पाथ। तो यहाँ पर नोड अनपब्लिश हमने एक क्लास बनाई है, ये क्लास जो डिफाइंड है वो कहाँ पर डिफाइंड होगी, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। और उसके बाद में ये परमिशन, तो ये हो गया हमारा राउटिंग डॉट वाईएमएल का कोड और ये जो कोड है वो हमारा जो कोड है वो इन्फो डॉट वाईएमएल का कोड। अब राउटिंग डॉट वाईएमएल का कोड और इन्फो डॉट वाईएमएल का कोड होने के बाद में हम चलेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो फाइल स्ट्रक्चर है हमारा, इस फाइल स्ट्रक्चर में हम SRC के अंदर जाएंगे। SRC के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के SRC के अंदर कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर ये नोड अनपब्लिश डॉट PHP फाइल हमने बनाई। नोड अनपब्लिश डॉट PHP फाइल के अंदर, नोड अनपब्लिश डॉट PHP फाइल के अंदर हमको वो कोड लिखना होगा। तो ये हमारी क्लास का नाम हो गया नोड अनपब्लिश और इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो ये फंक्शन हमारा हो गया कंटेंट। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर नेम स्पेस चूँकि हमको देना होगा कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए, एक नेम स्पेस डिफाइन करना होता है, तो हमने यहाँ पर नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। उसके बाद में ये कंट्रोलर, हम बेस कंट्रोलर जो है उसको यूज़ करने के लिए हमने ये कोड लिखा। यूज़ ड्रुपल का जो बेस कंट्रोलर है, इससे उसके मेथड पूरे हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में चूंकि ये नोड रिलेटेड ऑपरेशन है तो यहाँ पर हमको नोड का नेम स्पेस भी यूज़ करना होगा जो कि डिफाइंड है नोड मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर ड्रुपल नोड और ये हमने इंक्लूड कर लिया, जो इंटरफेस या जो नेम स्पेस हमको यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो ये तो हो गया हमारे कंट्रोलर के लिए और ये दो नेम स्पेस हमने जो यूज़ किए वो हो गए। उसके बाद में क्लास नोड अनपब्लिश और ये इनहेरिट किया हमने बेस कंट्रोलर। आप किसी भी ड्रुपल 8 के कोड में देखोगे तो उसमें आपको क्लास बनानी होगी और उसमें बेस कंट्रोलर को लेके आना होगा। तो उसी तरीके से कोड का पैटर्न है, उसको हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। उसके बाद में पब्लिक फंक्शन बनाया कंटेंट और इस कंटेंट के अंदर मैंने पास किया, चूंकि नोड एक क्लास है और नोड क्लास के अंदर ये लोड नाम से एक मेथड बना हुआ जिसमें हमको उसकी आईडी पास करनी है क्लास की। तो यहाँ पे हमने क्लास की आईडी पास की। यहाँ पर हमने क्लास
की आईडी, नोड आईडी जो है वो 8, जो हमारी आईडी है इस फंक्शन के अंदर हमने नोड आईडी पास किया। इससे क्या होगा कि नोड से रिलेटेड जितने भी फील्ड है, जितना भी कंटेंट है, वो इस ऑब्जेक्ट में हमको मिल जाएगा। उसके बाद में अनपब्लिश करने के लिए हमने उसका स्टेटस जीरो किया। आफ्टर डेट जीरो करने के बाद हमको उस नोड को सेव करना होगा। तो यहाँ पे हमने स्टेटस जीरो करके और नोड को सेव किया। नोड जैसे ही हम सेव फंक्शन कॉल करेंगे, हमारा नोड सेव हो जाएगा अनपब्लिश स्टेटस के साथ। अनपब्लिश स्टेटस का मतलब यहाँ पे है स्टेटस जीरो से। तो इस तरीके से हमारा नोड जो है वो अनपब्लिश हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे रिटर्न करके ड्रूपल सेट मैसेज प्रिंट करके यहाँ से मैसेज को रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामेटिकली नोड को अनपब्लिश कर सकते हैं ड्रूपल 8 में। थैंक यू।